क्या आपको भी लगता है कि आप भूत में कन्वर्ट हो रहे हैं? पढ़ाई करने से पहले जब शुरुआत की थी तब तो आप इंसान थे, लेकिन क्या आप भूत में कन्वर्ट हो रहे हैं? आज की वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। आइए देखते हैं आज की स्टोरी। हेलो बच्चों, आज की कहानी बहुत डरावनी है। इस कहानी को आप सुनने से पहले अपने दिल पे हाथ जरूर रखें, क्योंकि आज की कहानी चिंकू मिंकू की नहीं, उनके भूत की है। ये है चिंकू का भूत और ये है मिंकू का भूत। ये दोनों भटकती आत्माएं हैं। ये दोनों आत्माएं गेट की तैयारी कर रही हैं। गेट 2022। लेकिन जब इन्होंने तैयारी शुरू की थी तो ये भटकती आत्माएं नहीं थीं। शुरुआत में ये इंसान ही थे, लेकिन जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ी ये इंसान भटकती आत्माओं में चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, ऑनलाइन एजुकेशन को इन्होंने एक अड्डा बना लिया एंटरटेनमेंट का। जहां भी जो भी क्लास हो रही थी दोनों पहुंच जाते कि कभी कोई स्पेशल क्लास चल रही है, कभी कोई प्लस पे क्लास चल रही है, कभी कोई यूट्यूब पे क्लास चल रही है। इन्होंने सारी अटेंड करनी शुरू कर दी कि हम तो दिन भर जिसकी भी क्लास होगी सारी क्लासेस करेंगे। तो ऐसे बच्चे जो स्टार्टिंग में तो बच्चे कहलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर लेते हैं और वो बन जाते हैं भटकती आत्माएं। तो चिंकू मिंकू के साथ भी ऐसा ही हुआ। तैयारी शुरू करी, प्लानिंग थी नहीं, कोई शेड्यूल नहीं है। जब मन चाहा मोबाइल उठाया, ऐप खोला, कोई भी क्लास चल रही है उसमें घुस गए और 15-20 मिनट अटेंड करी और छोड़ के आगे बढ़े। तो ये जो भटकती आत्माएं हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, बताता हूं। पहली कैरेक्टरिस्टिक कि सारी क्लासेस करनी है, ऑल क्लासेस। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई भी क्लास पूरी नहीं करेंगे, 10 मिनट करके आगे बढ़ेंगे। होता है ना, चलो जाओ बाबा आगे जाओ, वही वाला हिसाब है। 10 मिनट क्लास करी और चल दी आगे, चलो आगे चलते हैं, आगे ज्ञान लेंगे, यहाँ का ज्ञान हो गया पूरा। तीसरी कहानी, ऐसे बच्चे अपने आप को समझते हैं मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट होता है एकदम डब्बा जीरो। क्या होता है? डब्बा जीरो। तो बच्चों, अगर आप भी अपने आप को कन्वर्ट महसूस कर रहे हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा भटकती आत्मा जैसा गुण आ रहा है, तो अपने आप को कन्वर्ट करिए। इसको करना, कन्वर्ट करना बहुत आसान है। भटकती आत्माओं से वापस आ जाना बहुत आसान है। एक प्लान बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ और एक फैकल्टी को फॉलो करो एक सब्जेक्ट के लिए, और सारी क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई चल रही हो, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग करिए, अपने प्लान के अकॉर्डिंग करिए, तो आप अपने आप को बचा हुआ महसूस करेंगे, इंसान जैसा महसूस करेंगे, नहीं तो आप भटकती आत्मा जैसा महसूस करेंगे। आज की कहानी बहुत डरावनी थी और ये कहानी यहाँ समाप्त होती है।